तो यहाँ पर हमने मेथड पढ़ा इंसर्ट आफ्टर। इंसर्ट आफ्टर कोई एलिमेंट है अगर, तो इसके बाद हमने कोई एलिमेंट इंसर्ट किया और बिफोर की हेल्प से हमने उसके पहले इंसर्ट किया। लेकिन अभी हमने ऐसा नहीं किया कोई एलिमेंट है उसके अंदर आपने एक और एलिमेंट लगाया हो, तो इसके लिए हमारे पास मेथड है अपेंड मेथड। ओके, तो आप किसी अगर एलिमेंट पर अपेंड मेथड कॉल करते हो तो वो एक जो नया एलिमेंट होगा वो उस एलिमेंट के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। अगेन अपेंड करोगे तो दूसरा एलिमेंट भी उसी के अंदर हो जाएगा। उसके लिए हम मेथड का यूज़ करेंगे अपेंड मेथड, अपेंड और अपेंड टू मेथड का। ओके, तो यहाँ पर मैं जी डॉट एच टी एम एल में एक लिंक क्रिएट कर लेता हूँ। एक लिंक क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक काम करते हैं हम, यहाँ पर हमने एक डिव बनाया हुआ है, मैं वैसा एक और डिव यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने एक डिव क्रिएट किया, ये डिव बनाया, इसका आईडी मैं असाइन कर रहा हूँ फर्स्ट डिव। ओके, फर्स्ट, एंड इसे कॉपी कर लेते हैं। और जो दूसरा वाला डिव है उसकी जो आईडी है उसको मैं आईडी दे देता हूँ सेकेंड। ओके, तो मैं इस एग्जाम्पल को रन करता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से देखेगा। यहाँ पर एक डिव है, आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा वाइट स्पेस दे देता हूँ, यहाँ पर मैं बी आर टैग इंसर्ट कर देता हूँ, बी आर टैग, डन। अब हम इसे रन करते हैं, तो आप देखोगे ऊपर एक खाली डिव है। तो अब मैं क्या करूँगा, अपेंड करूँगा। एक खाली डिव है, दूसरे डिव से जो एलिमेंट्स उठा के पहले वाले डिव में अपेंड करूँगा। तो अपेंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने सेकेंड का जो आईडी है वो दिया हुआ है फर्स्ट, तो मैं उसकी आईडी की हेल्प से कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं आईडी कैसे, हैज़ का यूज़ करूँगा। तो आईडी क्या है उसका, फर्स्ट। तो फर्स्ट में मैं अपेंड करना चाहता हूँ, तो यूज़ करूँगा मैं अपेंड टू का, अपेंड टू, अपेंड टू मेथड यूज़ करूँगा। और किस एलिमेंट को करना चाहता हूँ, तो एच वन एलिमेंट को करना चाहता हूँ। एच वन के लिए जे क्वेरी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, एच वन। ओके, तो आप देख रहे होंगे फर्स्ट डिव में अपेंड हो जाएगा, सॉरी, जो इससे क्या होगा कि जो फर्स्ट जो डिव है वो अपेंड टू मतलब कि एच वन में अपेंड हो जाएगा। ऐसा नहीं चाहते हम चाहते हैं एलिमेंट एच वन है उसको अपेंड टू, किस पे अपेंड करना चाहते हैं, डिव में। कौन से डिव में, फर्स्ट डिव में। इससे क्या होगा, जो एच वन है वो अपेंड हो जाएगा फर्स्ट, तो फर्स्ट डिव में वो अपेंड हो जाएगा। मैं मूव करूंगा मूव एलिमेंट, तो इससे क्या हुआ, अपेंड हुआ, तो यहाँ से उठ के वो वहाँ चला गया। फाइन गाइस, ये अपेंड टू मेथड करता है। लेकिन एक और मेथड है अपेंड मेथड। तो अपेंड क्या करता है, इसमें क्या हुआ कि जिस एलिमेंट पर हमने मेथड कॉल किया वो अपेंड हुआ उस डिव में, लेकिन अपेंड टू मेथड क्या करेगा, तो देखते हैं। तो अगर मैं इस एच वन पर अपेंड मेथड कॉल करता हूँ, और यहाँ पर हम एक जेक्वेरी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे डिव के लिए, डिव का आईडी है फर्स्ट, और अब मैं इस पर अपेंड मेथड कॉल करूँगा और मैं इसे रिलोड करूँगा, तो इससे क्या होगा कि जस्ट अपोजिट एच वन के अंदर डिव चला गया, है ना। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में देखा जो बिफोर इंसर्ट मेथड्स थी, कि अगर मैं ये मेथड कॉल करता हूँ जिस ऑब्जेक्ट पर हम कॉल करेंगे वो ऑब्जेक्ट अपेंड हो जाएगा इस पर, लेकिन अगर मैं अपेंड का यूज़ करता हूँ तो ये वाला यहाँ पर अपेंड हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। ओके, तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट्स को, एलिमेंट्स को अपेंड कर सकते हैं। फाइन गाइस।